जी हाँ दोस्तों, आखिरकार चंद्र ग्रहण पूरा हो चुका और ऐसे में आपने ऐसी बातें और ऐसे वीडियोस तो बहुत सारे देखे होंगे कि चंद्र ग्रहण के पहले ये ना करें, चंद्र ग्रहण के दौरान ये ना करें वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन अब जो यहाँ पर हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान और चंद्र ग्रहण से पहले तो ठीक है, लेकिन 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 चंद्र ग्रहण के बाद अगले 12 घंटे के दौरान आपको क्या काम नहीं करने चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरी बात, ये चंद्र ग्रहण के तुरंत बाद अगली सुबह ही आपको कुछ ऐसे काम है जो जरूर करने चाहिए। उनसे होता यह है दोस्तों कि चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वापस आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है, और इससे आपके घर में सुख शांति धन धान्य संपदा हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए चंद्र ग्रहण के बाद दूसरे दिन अगली सुबह आपको जरूर कुछ काम ऐसे हैं जो जरूर करने चाहिए। अब वो ऐसे कौन कौन से काम है, जब जब भी दोस्तों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण या कुछ भी होता है तो इस तरह की खगोलीय घटनाओं से नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और वो इन ग्रहण काल के दौरान हमारे घरों में आ जाती हैं। और इसी वजह से शास्त्रीय धारणाओं के अनुसार और एस्ट्रोलॉजी साइंस ज्योतिष विज्ञान के अकॉर्डिंग चंद्र ग्रहण के बाद हमें कुछ काम जरूर करने चाहिए जिनसे वापस पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और उससे सभी तरह के गृह दोष समाप्त हो जाते हैं। और यहाँ तक कि दोस्तों आपकी जिंदगी में भी अगर और कोई नई समस्याएं हैं तो वो भी पैदा नहीं होती है और पुरानी समस्याएं भी धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। चाहे किसी भी तरह की समस्या हो, धन धान्य से लेकर पति पत्नी सुख से लेकर स्वास्थ्य से संबंधित आर्थिक परेशानियां सब कुछ खत्म हो जाती हैं चंद्र ग्रहण के बाद आपको कुछ काम है जो करके। तो चलिए दोस्तों, आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रहण के बाद आपको क्या काम है जो स्पेशल करने चाहिए, ठीक है। तो दरअसल आपको बता होगा दोस्तों कि इस बार चंद्र ग्रहण 2 दिन के संगम में लगा। ये शुक्रवार की रात 10:36 पर प्रारंभ हुआ और उसके बाद रात में ही 2:42 तक तो रहा था, यानी कि अगले दिन सुबह तक इसका प्रभाव रहा। और ऐसे में दोस्तों आपको अगले ही गुड मॉर्निंग के अंदर ही, यानी कि मॉर्निंग में ही कुछ काम जरूर फटाफट से निपटा लेने चाहिए, इनसे सब कुछ नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाते हैं। अब उन कामों में क्या क्या शामिल है, तो स्पेशल नंबर 1 तो यही है दोस्तों कि चंद्र ग्रहण के दिन दूसरे ही दिन अगली सुबह आपको सभी को स्नान करना चाहिए, परिवार के सभी सदस्यों को स्नान करना चाहिए और ग्रहण काल के अंदर पहने गए वस्त्रों का भी दान कर देना चाहिए। जो हमारे आसपास गरीब वगैरह लोग रहते हैं ना दोस्तों, जिनके पास सर्दियों में पहनने के लिए स्वेटर नहीं है, जर्सी नहीं है, कंबल नहीं है ओढ़ने के लिए, तो उनको आप जरूर कुछ न कुछ वस्त्र दान कर दें। इससे होता यह है कि आपको पुण्य का फल मिलता है और उनको भी पहनने के लिए वस्त्र मिल जाते हैं। इससे दोस्तों आप आधे दिन जो मतलब अदर देश के अंदर मतलब अन्य दिनों के अंदर जो आप वस्त्र दान करते हो ना, उससे कई गुना ज्यादा फायदा मिलता है आपको चंद्र ग्रहण के ठीक अगले ही सुबह आप अगर वस्त्र दान करते हैं तो। अच्छा, दूसरा काम आता है दोस्तों ग्रहण के बाद आपके घर परिवार में जहाँ कहीं भी आप पूजा अर्चना करते हो, देवी स्थान होता ही है हम सभी के घरों में, उस देवी स्थान की आपको अच्छे से साफ सफाई कर लेनी है और वहाँ पर देवता की तस्वीरें मूर्तियां जो भी रखी हुई है उनको अच्छे से साफ धो चकोल करके साफ कर लें और उन पर गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। इससे वो मूर्तियां पवित्र हो जाती है और उनके आसपास वापस सकारात्मक शक्ति आ जाती है। तीसरा काम आता है दोस्तों ग्रहण की समाप्ति के बाद आप अपने पितरों को याद करते हुए दान करें, इससे ग्रहण का बुरा असर नहीं पड़ता और पितरों को याद करते हुए आप कुंवारी कन्याओं को खाना खिला सकते हैं। 11 या 5, 7 जो भी आपसे बने उन कुंवारी लड़कियों को खाना खिलाएं और गरीबों को भी भोजन दान करें, इससे बहुत पुण्य मिलता है दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आपके घर में अगर तुलसी का पौधा है तो ग्रहण की समाप्ति के बाद उस पर गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र कर लें और उस तुलसी के पौधे की कुछ पत्तियां तोड़कर आप देवी स्थान पर भी चढ़ाएं। और इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण काम ये रहता है दोस्तों कि आपके घर में जितना भी पानी भरा हुआ था ना, चाहे वो नहाने का हो, पीने का हो, खाना बनाने के लिए जो हम काम में लेते हैं, बर्तन धोने के लिए, उस सब पानी को आप 1-5 बूंद गंगा जल छिड़क दें उसमें और तुलसी के पत्ते डाल लें, इससे वो पानी वापस पवित्र हो जाता है। या तो ये सॉल्यूशन होता है, या तो अगर आपका पानी कम ही भरा है, थोड़ा बहुत ही भरा, तो उसको आप किसी और काम में ले लें और उस पानी को खाली करके बिल्कुल अपने बर्तनों को धो चकोल करके माँच करके उसमें सभी में नया पानी भर दें, क्योंकि वो पानी दूषित माना जाता है, ग्रहण काल के दौरान रह जाता है इसीलिए। इसके अलावा दोस्तों चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण किसी भी तरह का ग्रहण हो, ग्रहण की समाप्ति के बाद आपको अपने घर की साफ सफाई जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ग्रहण की समाप्ति के बाद की गई साफ सफाई के बाद ही वापस लक्ष्मी माता का निवास होता है और इससे आपके घर में धन धान्य संपदा की आवक शुरू हो जाती है, आर्थिक परेशानियां आपकी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसके अलावा दोस्तों ग्रहण खत्म होने के बाद दूसरे दिन आप गाय को रोटी जरूर खिलाएं। गाय को रोटी खिलाने से ग्रहण का बुरा प्रभाव खत्म होता है और सफेद गाय या पीली गाय किसी भी गाय को आप गुड़ के साथ में रोटी खिलाएं ना, तो उससे और भी ज्यादा
दुगुना आपको फायदा मिलता है। और इसके अलावा आपके आसपास अगर दोस्तों कोई नदी तालाब या झरना है तो ग्रहण काल के समाप्त होने के बाद 12 घंटे के दौरान आप एक बार उसमें डुबकी लगा करके जरूर आएं, स्नान करें उसमें, क्योंकि वहां से डुबकी लगाने के बाद आपके ग्रहण के सारे जो भी शक्तियां नकारात्मक प्रभाव होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं और आपके शरीर के अंदर एकदम से सकारात्मक ऊर्जा का फिर से प्रवाह शुरू हो जाता है। अच्छा, ये बातें तो ये रही, ठीक है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं नाम और राशि के अनुसार ग्रहण का प्रभाव आप पर क्या रहा और आपके नाम राशि के अनुसार ग्रहण के प्रभाव को खत्म करने का क्या तरीका है। तो यहाँ पर मैं आपको फटाफट से एक एक लाइन के अंदर 12 ही राशियों के ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव को खत्म करने का तरीका बता देता हूँ। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण का आपकी राशियों पर क्या क्या प्रभाव रहा और चंद्र ग्रहण के दौरान जो आपकी राशियों पर बुरा प्रभाव रहा तो उस बुरे प्रभाव को खत्म करने का तरीका क्या है। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों बात करते हैं अपन पहले मेष राशि की, तो रुके हुए काम पूरे होंगे और करियर में बदलाव हो सकता है, ये प्रभाव चंद्र ग्रहण का रहा। और आप ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें भगवान शिव के शिवलिंग के सामने बैठकर 5 बार 7 बार 11 बार जो भी हो, इससे मेष राशि वालों का नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाएगा। वृष राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव रहा उसके बाद व्यर्थ की चिंताएं बढ़ेंगी और आकस्मिक दुर्घटनाओं से आपको बचाव करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें, चाहे आप अपने घर के देवी स्थल के सामने बैठकर भी कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों की बात करें दोस्तों तो वैवाहिक जीवन और साझेदारी का ध्यान रखें, धन के मामलों में सावधानी रखें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करने से मिथुन राशि वालों को फायदा होगा। कर्क राशि वालों लोगों के लिए प्रेम और विवाह के मामलों में समस्या आ सकती है, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं। ओम एम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करने से कर्क राशि वालों का नकारात्मक प्रभाव चंद्र ग्रहण का सब खत्म हो जाएगा। अब बात करें सिंह राशि वालों के लिए, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर की स्थिति में लाभ और सुधार होगा। ये चंद्र ग्रहण के बाद दोस्तों राशिफल आपका बताता है कि चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आपकी राशि में क्या प्रभाव हुए, ये आज के राशिफल के रूप में भी आप समझ सकते हैं। और सिंह राशि वाले लोग जो है वो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, लाभ होगा। अब बात करें कन्या राशि वाले लोगों के लिए तो चोट चपाट से बचने की कोशिश करें, नौकरी में समस्या आ सकती है। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों मंत्रों में कितनी शक्ति होती है ना, हो सकता है कि आपको अभी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन कभी अकेले में जाके बैठना और आप नमः शिवाय, इस ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कभी करके देखना मेडिटेशन करने की मुद्रा में, फिर आपको पता चलेगा दोस्तों कि वाकई में मंत्रोच्चारण में भी कितनी शक्ति होती है। ये सारी चीजें कोई बिल्कुल अंधविश्वास नहीं है, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं सारे सॉल्यूशंस। अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तो कीजिएगा जरूर। अच्छा, अब बात करें दोस्तों अपन तुला राशि वालों के लिए तो करियर में अचानक समस्या आ सकती है, संपत्ति के मामलों में स्पेशली सावधानी रखें। और इसके अलावा ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करने से तुला राशि के जातकों को लाभ होगा। अब बात करें वृश्चिक राशि की तो पारिवारिक और आंखों की समस्या के योग बन रहे हैं, वाणी और क्रोध के कारण समस्या हो सकती है, इसलिए आप अपनी बोली पर कंट्रोल रखें और ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जाप करें, वृश्चिक राशि वाले लोगों को लाभ होगा। वहीं बात करें धनु राशि की दोस्तों तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें थोड़ा, और ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करने से धनु राशि वाले लोगों को लाभ होगा। वहीं बात करें दोस्तों मकर राशि के लोगों की तो बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, अच्छी बात है इनके लिए, धन लाभ और करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। और रोज शाम को आप एक बार ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए करियर में बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं, शिक्षा और संतान को लेकर तनाव हो सकता है, गर्भवती महिलाएं व्यर्थ की चिंता ना करें, बेकार की टेंशन ना रखें, है ना मतलब, और ओम एम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें। मीन राशि वाले लोग करियर में आकस्मिक समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए ध्यान रखें, अनावश्यक अपयस मिल सकता है, इसलिए फालतू के काम ना करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लाभ मिलेगा आपको। तो ये दोस्तों अलग अलग राशिफल के अकॉर्डिंग चंद्र ग्रहण के बाद आपको क्या करना चाहिए इसके सॉल्यूशन है, ठीक है। आज का राशिफल के अकॉर्डिंग भी ये बात समझ सकते हैं आप। अच्छा, अब बात आती है दोस्तों कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चंद्र ग्रहण के बाद क्या दोस्तों भूकंप या ऐसी कोई सुनामी जैसी घटनाएं हो सकती है या नहीं। तो वैसे अपन ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग देखे दोस्तों तो चंद्र ग्रहण के 12 घंटे पहले या 12 घंटे बाद के अनुसार कोई भी अप्राकृतिक घटना हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चंद्र ग्रहण सिर्फ और सिर्फ एक खगोलीय घटना है जो कि ग्रहों की स्थितियों के कारण बनती है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि दोस्तों चंद्रमा और सूरज के बीच में धरती आ जाती है और इसीलिए सूरज की किरणें पूरी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाती है और धरती की छाया चंद्रमा पर पहुंचती है और इसीलिए होता है चंद्र ग्रहण। इसीलिए दोस्तों वैज्ञानिकों की माने तो चंद्र ग्रहण के बाद भूकंप सुनामी जैसी कोई भी घटनाएं नहीं घटती है, इसलिए आप ये टेंशन बिल्कुल भी ना लें। जो रियलिटी और फैक्ट है वही मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ
और बाकी चंद्रग्रहण के बाद आपको क्या क्या करना मैंने आपको बता ही दिया। आप अपने इष्ट देव को जरूर दिल से तहे दिल से नमन करके अगले दिन उनकी पूजा करें और उनसे आप अपनी सारी ख्वाहिशें मांगे, जो कुछ भी आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में पूरी हो जाए, चाहे वो धन संबंधित हो, प्यार संबंधित हो, आपके लव इश्क संबंधित हो, या शादी संबंधित हो, या और किसी भी स्वास्थ्य संबंधित किसी भी तरह की आप मुराद इच्छा रखते हैं दोस्तों, तो उसको आप चंद्रग्रहण के तुरंत दूसरे ही दिन मॉर्निंग में ही अपने इष्ट देव की पूजा करके धो चकोल के साफ करके और नहा धो के उनसे आप ये तमन्ना करें तो जरूर आपकी तमन्ना के पूरे होने के योग और चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये चंद्रग्रहण के बाद की कुछ बातें थी जो जरूर आपको जानने मिली होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की काम की खबरें सबसे पहले मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।